हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक जो कि आयुर्वेद निरूपण, उसे स्टार्ट कर लिया था। और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आयुर्वेद क्या होता है, आयु के पर्याय के बारे में देखा था हमने, आयु के घटक क्या होते हैं, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। तो इसके हमने यहाँ तक के सारे टॉपिक कवर कर दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिद्धांत। हम देखेंगे सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत के भेद के बारे में देखेंगे, और साथ में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत। तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक है कौन सा, आयुर्वेद निरूपण, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब जो लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा आयुर्वेदा विंग्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए। मैंने वहां पर BMS फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर नियमित क्लासेस चल रही है और आपको वहां पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। और वहां पर इस कोर्स की अगर वैलिडिटी की बात करूं तो 18 मंथ की वैलिडिटी रहने वाली है, और एकदम मिनिमम प्राइस में मैंने ये कोर्स को लॉन्च कर रखा है ताकि सारे लोग उसे क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। अब किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही इनरोल करना है, मेरे को सिर्फ संस्कृत पढ़ना है, मेरे को सिर्फ पदार्थ पढ़ना है, तो मैंने वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। तो अगर आप में से किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार उसे डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए, फ्री कंटेंट को देखिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से वहाँ पर लेक्चर लेता हूँ, किस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर मिल जाता है। ठीक, तो चलिए, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर सिद्धांत के लक्षण और इसका वर्गीकरण। तो आज हम क्या देखेंगे, सिद्धांत क्या होता है और इसके भेद के बारे में हम देखेंगे। ठीक, अब देखो, कई स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम के थे वो पूछ रहे थे कि भैया आपके नोट्स जो होते वो हिंदी में रहते हैं तो हमें हिंदी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपके लिए नोट्स को अपडेट कर दिया है, देख सकते हैं आप, मैंने हिंदी में भी समझाया है और साथ में उस चीज़ को मैंने इंग्लिश में भी समझाया है। तो जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम को भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। ठीक, चलिए, तो चलिए अब हम बात करते हैं सिद्धांत क्या होता है। तो देखो, सिद्धांत को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, है ना। तो आज हम यही सिद्धांत या प्रिंसिपल को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने श्लोक दिखाई दे रहा है, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षके बहुविधम परीक्षय हेतु बीच साधित्व स्थापिते निर्णय। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है और इस श्लोक को आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो क्या है, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षके बहुविधम परीक्षय हेतु बीच साधित्व स्थापिते निर्णय। तो यह श्लोक आपको याद कर लेना है। तो देखिए, अब सिद्धांत क्या होता है, तो सिद्धांत जो होता है उस निर्णय या निष्कर्ष को कहते हैं जो परीक्षकों के द्वारा कई प्रकार की परीक्षा करके या प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करके जिसे स्थापित किया जाता है, उस निर्णय को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिद्धांत, सिद्धांत जो होता है उस निर्णय या उस निष्कर्ष को कहते हैं जो क्या होता है, परीक्षकों के द्वारा कई प्रकार की परीक्षा करके या प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करके जिसे स्थापित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना, कई टेक्नोलॉजी का यूज करके उस सब्जेक्ट पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं और उस कंक्लूजन को पूरा प्रूव करते हैं। जब वो कंक्लूजन पूरा प्रूव हो जाता है तो उसको फिर क्या कर देते हैं, सिद्धांत निकाल देते हैं, या उसका फिर क्या दे देते हैं, प्रिंसिपल दे देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्धांत जो होता है उस निर्णय या निष्कर्ष को कहते हैं जो प्रेक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार की परीक्षा करके या हेतु प्रमाण द्वारा अनेक प्रकार से सिद्ध करके जिसे स्थापित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, है ना। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सिद्धांत इज अ कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट अ सब्जेक्ट आफ्टर कंसिडरिंग मेनी रीजंस परफॉर्मिंग एग्जामिनेशंस इन मेनी वे बाय मेनी स्कॉलर्स। दे शुड परफॉर्म रिसर्च वर्क बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द एग्जामिनेशंस एंड एनालाइज द रिजल्ट्स, देन ओनली द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी प्रूव्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कई स्कॉलर्स या रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर एग्जामिनेशंस करते हैं, एग्जामिनेशंस करने के बाद उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं।
और वो जो कंक्लूजन जो होता है जब प्रूव्ड हो जाता है तो उसे क्या कर देते हैं, उसी का क्या कर देते हैं, वो प्रिंसिपल निकाल देते हैं या क्या कर देते हैं, सिद्धांत निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके भेद की बात करूँ तो सिद्धांत जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। सबसे पहला सिद्धांत होता है सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा होता है प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा होता है अधिकरण सिद्धांत और चौथा क्या होता है, अभ्युपगम सिद्धांत। तो हम देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चार प्रकार के सिद्धांत होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, सर्वतंत्र सिद्धांत की बात करते हैं तो सर्व नाम से आपको पता चल रहा है सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जो सभी शास्त्रों में क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जो सभी शास्त्रों में क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द सिद्धांत विच इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, जो क्या होता है सभी शास्त्रों के द्वारा एक्सेप्टेड होता है, सभी शास्त्रों में जो क्या होता है प्रसिद्ध होता है, उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो रोगों का निदान यानी कि जो इटायोलॉजी होती है, मतलब रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो वो क्या है, सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है, है ना। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सर्व तंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। वही अगर मैं बात करूं कि जो साध्य रोगों की जो चिकित्सा होती है, साध्य रोग क्या होते हैं, साध्य रोग ऐसे रोग होते हैं जो बड़ी आसानी से क्या होते हैं, जब आप क्या करते हो उसका ट्रीटमेंट करते हो तो क्या हो जाता है, ये ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो जो साध्य रोगों की चिकित्सा होती है वो भी क्या है, सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है, तो इसीलिए ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सर्वतंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। तो सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है, सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, जो कि सभी शास्त्रों में क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा सिद्धांत दिखाई दे रहा है, दूसरे टाइप का, जो कि प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रति का मतलब क्या होता है, एक, है ना, और सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक, तो देखो प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है, प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत होता है या वह प्रिंसिपल होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही शास्त्र में क्या होता है, पॉपुलर होता है, विच इज एक्सेप्टेड बाई वन, है ना। देखिए आप यहाँ पर प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह सिद्धांत होता है जिसका अपना स्वतंत्र सिद्धांत होता है, है ना, विच इज एक्सेप्टेड एंड इज पॉपुलर ओनली इन वन तंत्र, जो सिर्फ क्या होता है, एक ही तंत्र, एक ही शास्त्र में जो प्रसिद्ध होता है, है ना, या जिसका अपना स्वतंत्र सिद्धांत होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतितंत्र सिद्धांत। नाम से आपको यहाँ पर पता चल रहा है, प्रतितंत्र सिद्धांत मतलब क्या हो जाएगा कि वह सिद्धांत जिसका अपना खुद का क्या होता है, स्वतंत्र सिद्धांत होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ कि अग्निवेश तंत्र जो थे उन्होंने क्या किया है, रस की जो संख्या है वो कितनी बताई है, 6 बताई है, लेकिन किसी तंत्र में आपको रसों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, 8 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निवेश का अलग सिद्धांत है और बाकी अलग तंत्र में अलग यहाँ पर उन्होंने रसों की संख्या बताई है। तो यह क्या होता है, वह सिद्धांत होता है जिसके अपने अपने स्वतंत्र सिद्धांत होते हैं। वैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी तंत्र में इंद्रियों की जो संख्या है वो कितनी बताइए, 5 बताइए, तो किसी तंत्र में इंद्रियों की संख्या यहाँ पर 6 बताइए। तो इनका क्या होता है, अपना अपना एक स्वतंत्र सिद्धांत होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो उदाहरण इसके दिए गए हैं, अग्निवेश तंत्र में रसों की संख्या 6 मानी गई है जबकि अन्य तंत्र में 8 मानी गई है, और किसी तंत्र में इंद्रियों की संख्या 5 मानी गई है तो किसी तंत्र में यहाँ पर 6 मानी गई है। तो प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है, इनके अपने ही क्या होते हैं, स्वतंत्र सिद्धांत होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आपको यहाँ पर सिद्धांत दिखाई दे रहा है जो कि अधिकरण सिद्धांत। तो अधिकरण सिद्धांत क्या होता है, अधिकरण सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक विषय का क्या चल रहा है, प्रकरण चल रहा है ना, और उससे रिलेटेड अगर मान लो अन्य सिद्धांत सिद्ध किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह सिद्धांत जिसमें क्या होता है, एक विषय का प्रकरण चल रहा हो और उससे संबंधित दूसरे सिद्ध विषय का आना क्या कहलाता है, अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेन सिद्धांत, मतलब द सिद्धांत वेन प्रूव्ड एट द सेम टाइम क्या होता है, इट ऑल्सो प्रूव्स डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू इट। मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जब एक विषय का क्या चलता है, प्रकरण चलता है, तो उससे रिलेटेड किसी अन्य सिद्धांत का आना, है ना, अन्य सिद्धांत का आना क्या कहलाता है, ये अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, जब एक चीज को आप क्या करते हो, प्रूव करते हैं, तो उसके साथ साथ उससे रिलेटेड दूसरी चीजें होती है वो भी क्या होती है, प्रूव्ड हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण बोलते हैं, अधिकरण सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक विषय के बारे में आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, है ना, और जब उसकी रिसर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या होता है, जो अन्य विषय होता है या अन्य सब्जेक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब क्या
क्या होता है, एक विषय का प्रकरण चल रहा हो और एक विषय के प्रकरण करते समय उससे रिलेटेड किसी सिद्ध विषय का आना क्या कहलाता है, अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मुक्त पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुक्त पुरुष जो होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय का मतलब होता है वो क्रियाशील नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, मतलब नॉट फंक्शनिंग है ना। तो क्या हो जाएगा, मुक्त पुरुष जो होता है वो क्या होता है, कर्म के बंधनों में नहीं बनते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो इस सिद्धांत से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि कर्मों का अस्तित्व, उनके परिणाम और पुनर्जन्म भी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहला सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत यहाँ पर ये दिया गया है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, निष्काम होते हैं, वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत तो ये दिया, जब इस सिद्धांत का हम क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा सिद्धांत ये आ जाता है कि कर्म, फल, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये क्या होते हैं, यहाँ पर अधिकरण सिद्धांत आ जाते हैं। ये सब क्या है, इसके अधिकरण सिद्धांत है। देखो इसको मैं कैसे समझाता हूँ, ये थोड़ी क्या डीप बात है, देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी आप क्या है, अभी आपका ये जन्म है ना, अगर मान लो इस जन्म में आपके क्या होंगे, अच्छे कर्म होंगे। इस जन्म में अगर मान लो आपके क्या होंगे, अच्छे कर्म होंगे, तो जब आपकी क्या होगी, मृत्यु होगी, तो आप क्या कर पाएंगे, आपको क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या बोला कि जो क्या होते हैं जो मुक्त पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, कर्म के बंधन में नहीं बनते। तो आप क्या हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, मुक्त पुरुष बन जाएंगे। मतलब आप क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, आप निष्काम हो जाएंगे, आप कर्म के बंधन में नहीं बनेंगे, है ना। अगर मान लो क्या हो जाएगा, आपके मान लो अच्छे कर्म नहीं होते हैं, और जब आपकी क्या होती है, मृत्यु होती है, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि आपको क्या करना है, मोक्ष की अगर प्राप्ति करना है, तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए, अच्छे कर्म होना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है, तो आप क्या हो जाते हैं, फिर निष्काम हो जाते हैं, आप क्या होते हैं, मुक्त पुरुष बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सिद्धांत क्या है कि जो क्या होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं, कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। तो दूसरा सिद्धांत यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उनको, है ना, और उनका क्या होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए पहला सिद्धांत क्या है, मुक्त पुरुष जो होते हैं कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कर्मों का अस्तित्व भी है, और उनका परिणाम का भी अस्तित्व है, और यहाँ पर पुनर्जन्म भी है। तो पुनर्जन्म कब होगा, जब आपके अच्छे कर्म नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आपको क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक आपको क्या करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, है ना, मोक्ष की प्राप्ति करने। और यहाँ पर आयुर्वेद ही बोलता है कि आयुर्वेद का भी उद्देश्य है यही है, कई दर्शनों का भी यही उद्देश्य है, क्या, मोक्ष की प्राप्ति। और कोई भी मनुष्य जो होता है, मोक्ष की प्राप्ति उसे कब होती है, जब वो क्या, उसके क्या होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। तो जब तक उससे उसके इस जन्म में, जिस भी जन्म में वो जी रहा है, उस जन्म में उसके अच्छे कर्म होते हैं, तो वो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है, और वो क्या बन जाता है, मुक्त पुरुष बन जाता है, वो कैसा होता है, निष्काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, वो क्या है कि मुक्त पुरुष जो होते हैं कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सिद्धांत आ जाता है कि कर्म, फल, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये सब क्या हो जाते हैं, फिर इसके अधिकरण आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले सिद्धांत को जब सिद्ध करते हैं, तो हमको दूसरा सिद्धांत कि पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, ये क्या होता है, हमें समझ आ जाता है। तो इसी तरह से जब एक विषय का प्रकरण चल रहा है और किसी अन्य विषय का आना क्या कहलाता है, अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। ये थोड़ी डीप बात थी, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे ना इस बात को, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो पहला सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत यह है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं, है ना। और यहाँ पर दूसरा सिद्धांत क्या आ गया, कर्म, फल, मोक्ष या पुनर्जन्म जो होता है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके अधिकरण सिद्धांत हो जाएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम का मतलब क्या होता है, अभ्युपगम का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना,
अभ्युगम का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। ठीक, तो देखिए किसी असिद्ध अपरिचित अनुपदेश अहेतु विषय को वाद काल या साक्षात के समय क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। और अभ्युगम का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो किसी अपरिचित असिद्ध अहेतु विषय को जब क्या कर लिया जाता है, वाद काल या साक्षात के समय क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात करूं, कि द्रव्य को प्रधान मानकर क्या करना, विषय का वर्णन करना, गुण को प्रधान मानकर क्या करना, विषय का वर्णन करना। तो यहां पर द्रव्य जो है, गुण है, वो असिद्ध है, लेकिन फिर भी इसे प्रधान मानकर क्या करते हैं, हम उसका विषय का वर्णन करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से शास्त्रार्थ के समय जिसे क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। आप यहां पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द कंसेप्ट विच इज नॉट प्रूव्ड बाय इट्स मीनिंग, विच इज नॉट एग्जामिन्ड, इज नॉट टॉट बाय द ऑप्ट, विच हैज नॉट सुटेबल रीजनिंग बट इज पुट फॉर्थ ड्यूरिंग द वाद बाय द स्कॉलर्स। तो जो क्या है, असिद्ध है, जो क्या है, अपरिचित है, जो क्या है, अहेतु है, लेकिन फिर भी इसे शास्त्रार्थ के समय, वादकाल के समय क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। और अभ्युगम का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार करना होता है, और इंग्लिश में देखें तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, चलिए, तो उस इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत जो होता है, उस निर्णय या उस निष्कर्ष को कहते हैं जो परीक्षकों के द्वारा कई प्रकार की परीक्षा करके, है ना, या प्रमाणों के द्वारा जिसे सिद्ध करके स्थापित किया जाता है, उस निर्णय या निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के चार भेद होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युगम सिद्धांत। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सिद्धांत क्या होता है, है ना, और सिद्धांत के भेद लिखिए। एमसीक्यू में किस प्रकार से आ जाएगा, एमसीक्यू में किस प्रकार से आ जाएगा कि सिद्धांत के भेद कितने होते हैं, वो आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर कोई एग्जांपल दे देगा तो बताओ ये किस सिद्धांत का एग्जांपल है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए, कई लोग बोल रहे थे कि भैया आप हमें वो भी बता दिया करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक, चलिए, अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, है ना। देखिए आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत और उनके महत्व को हम देखेंगे। अब देखो, अब ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, यहाँ पर मैं आपको ये तो बता दूंगा कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं। अब जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर पॉइंट लेकर आया हूं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अलावा और भी आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं देखना है। अब मैं इस टॉपिक को यहाँ पर उस प्रकार से कवर करूंगा कि ताकि आपके मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया इसके रिगार्डिंग, तो आपका क्वेश्चन बन जाए। क्यों, अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पंच महाभूत सिद्धांत के बारे में बताया है, त्रिदोष सिद्धांत के बारे में बताया है, धातु पोषण सिद्धांत के बारे में बताया है, दो धातु मल सिद्धांत बताया है, अग्नि सिद्धांत बताया है, त्रिसूत्र बताया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। डिटेल में क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए पंच महाभूत का अलग ही पूरा चैप्टर है ना। जब हम द्रव्य चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आकाश, वायु, अग्नि, इसको डिटेल में बताया है। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता दूंगा कि पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं, है ना, और इसका मतलब क्या होता है। दूसरा त्रिदोष सिद्धांत, त्रिदोष का पूरा चैप्टर ही है ना। और फिर धातु पोषण का भी हम किसमें देखेंगे, क्रिया शरीर में देखेंगे। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, इसका पूरा सिद्धांत ही डिटेल में हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग उतना ही कंटेंट दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको लिख के आना है, पांच नंबर में आ सकता है, तो मैंने उतना कंटेंट यहाँ पर सफिशिएंट दे दिया है। अब ये सारे टॉपिक्स जो है, अगर आप ये मेरे से उम्मीद करो कि मैं इसे यहीं पर डिटेल में समझा दूं, तो वो नहीं होगा। यहाँ पर मेरे से मैं इसको अलग अलग, जब जिस चैप्टर में जिसका जिक्र आएगा ना, उसको मैं डिटेल में बदला दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत और उनका महत्व, मतलब क्या जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा क्या है और उनके सिग्निफिकेंस को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, चलिए, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। तो जब आप क्या करते हैं, किसी भी शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और आयुर्वेद जो है वो क्या, एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जिसका अपना स्वतंत्र वैशिष्ट है। आयुर्वेद जो है क्या है, नित्य है ना। आयुर्वेद क्या है, अपरिवर्तनीय है। आयुर्वेद की ना तो उत्पत्ति हुई है और ना ही आयुर्वेद को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इसके आयुर्वेद के सिद्धांतों को आपको समझना अति आवश्यक है। अगर आप आयुर्वेद के सिद्धांतों को नहीं समझोगे तो आयुर्वेद आपके लिए एक जड़ी बूटी शास्त्र के समान रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मूलभूत सिद्धांत बताए हैं, उस मूलभूत सिद्धांत के मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। तो हम जब जब क्या करेंगे, पूरा पदार्थ पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत के सारे टॉपिक रहेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आया फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपसे बन जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी पूरी पदार्थ पढ़ी रहेगी, ठीक। चलिए तो अब हम बात करते, देखिए आयुर्वेद केवल एक औषधीय शास्त्र न होकर ये क्या है, एक विचारधारा है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से क्या है, दृढ़ता से टिका हुआ है ना। और अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी हम क्या करते हैं, जड़ी बूटी से, हालांकि देखो यहाँ पर जड़ी बूटी बोलना अच्छी बात नहीं है। अब देखो, अब ऐसा है ना यार, कई कई लोगों ने क्या है आयुर्वेद की गलत इमेज बना दी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कहीं जाते होंगे तो कई लोग क्या करते हैं, तंबू लगाकर बैठ जाते हैं, है ना। तो और मतलब वो चीज़ क्या होती है, थोड़ी ये सोसाइटी में गलत इमेज डालती है, जिस कारण क्या होते हैं, सोसाइटी के मन में ये पिक्चर बन जाती है कि आयुर्वेद के डॉक्टर जो होते हैं वो जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं, है ना, और इनको मतलब उनका जो इलाज होता है इतना खास इलाज भी नहीं होता है, है ना। तो वो क्या है, सोसाइटी में इन लोगों ने थोड़ा गलत इमेज डालती है ना। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया कि आपको क्या होना चाहिए, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पता होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र जड़ी बूटी शास्त्र के समान हो जाएगा। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, सारे सिद्धांतों को अच्छे समझना है। अगर आपको आयुर्वेद के सारे सिद्धांत आ जाएंगे ना, तो आप आयुर्वेद के चिकित्सा में काफी अच्छा कर पाएंगे, मतलब, ठीक। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत दिया गया है, क्या दिया है, पंच महाभूत सिद्धांत। तो मैंने आपको हमेशा मेरे लेक्चर में आपको बतलाते आ रहा हूं कि सृष्टि में जितनी भी चीजें होती है वो किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। पंच महाभूत क्या होते हैं, पंच महाभूत क्या होते हैं, जैसे कि आकाश हो गया, है ना, आकाश हो गया, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो यही पांच महाभूतों से, यही पांच महाभूतों से क्या हुआ है, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इन्हीं पंच महाभूतों से क्या हुआ है, इंद्रियों का भी निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पंच महाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है सभी शास्त्रों में क्या है, प्रसिद्ध है। और आयुर्वेद के अनेक अनेक सिद्धांतों पर यह क्या है, आधारभूत है। और आयुर्वेद के जितने भी सिद्धांत है उनका आधारभूत सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत है, पंच महाभूत सिद्धांत है। और ये कौन कैसा सिद्धांत है, सर्वतंत्र सिद्धांत है, मतलब ये सभी शास्त्रों में क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, पंच महाभूत कहते हैं। और स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, ये पांच इंद्रियां जो होती है इनका भी निर्माण जो होता है किससे होता है, पंच महाभूतों से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आकाश से शब्द इंद्रियों का निर्माण होता है, वायु से स्पर्श, जल से रस, अग्नि से रूप और पृथ्वी से गंध, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, पंच महाभूतों से होती है। जैसे कि मैं अपने लेक्चर में आपको हमेशा बतलाता हूँ कि सृष्टि में सारी चीजें है किससे बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, अब देखो पंच महाभूत का पूरा ही अलग अलग टॉपिक आएगा, जहां पर हम आकाश के बारे में डिटेल में देखेंगे, वायु के बारे में डिटेल में देखेंगे, जल के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप यहां पर इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। जब हमारी टॉपिक आएगा तब आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएगी, आपको समझ में भी आएगा कि इसका आकाश का निर्माण कैसे हुआ, वायु महाभूत का कैसे निर्माण हुआ, तो हम पूरा चीजें देखेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए लेकिन अभी मैं आपको क्या बतला रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ। कौन से कंटेंट दे रहा हूँ, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत का कंटेंट दे रहा हूँ। अगर मान लो एग्जाम में आता है तब किस प्रकार से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद हम त्रिदोष सिद्धांत, आपको पता है तीन दोष प्रत्येक होते हैं, वात, पित्त, कफ, है ना। और जब ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी में इनके सामने अवस्था रहती है तो हम क्या कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मतलब हम कैसे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और अगर मान लो ये विषम हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम क्या, हमको किसी न किसी प्रकार की क्या हो जाती है, रोग हो जाता है, हम कैसे हो जाते हैं, आरोग्य हो जाते हैं, आरोग्य नहीं, हम कैसे हो जाते हैं, फिर रोगी हो जाते हैं। अगर मान लो इन दोषों की, अगर क्या होता है, हमारे दोष जो होते हैं हमारी बॉडी में जो बात पित्त कफ है, अगर इनकी विषम अवस्था आ जाती है तो हमको किसी न किसी प्रकार क्या होता है, डिसीज हो जाती है। और अगर इनके सामने अवस्था बनी रहती है तो हम कैसे कहलाते हैं, हेल्दी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया धातु पोषण सिद्धांत। देखो अब धातु पोषण सिद्धांत में ये बताया गया है कि कैसे अन्न रस से धातुओं का निर्माण और पोषण होता है। तो इसके तीन न्याय दिए गए हैं, चिरदधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय। तो इनको हम डिटेल में देखेंगे इसमें क्रिया शरीर में, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर लोक पुरुष साम्य सिद्धांत दिया गया है, पदार्थ में हम आगे डिटेल में इसका पूरा सिद्धांत ही है तो वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यह भारतीय विचारधारा का उत्तम सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है कि जो कुछ बाहर मतलब ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में, अथवा यह कहे कि हम शरीर को लघु ब्रह्मांड बोल सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो क्या है
जो भी चीजें कहाँ पर ब्रह्मांड में, वही हमारे शरीर में ही है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर है एक प्रकार से कैसा है, लघु ब्रह्मांड। लघु मतलब कैसा होता है, छोटा, ठीक है। तो यह सिद्धांत जो होता है ब्रह्मांड और व्यक्ति के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। मतलब और यह जो सिद्धांत जो होता है वो क्या करता है, ब्रह्मांड और पुरुष के बीच में क्या करता है, रिलेशन स्थापित करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोष धातु मल सिद्धांत। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जैसे कि आप सभी को पता है दोष धातु मल ये सब क्या होते हैं, शरीर के मूल होते हैं और इससे क्या होता है, शरीर बना हुआ है, ठीक। उसके बाद अग्नि सिद्धांत। तो अग्नि कितने प्रकार की होती है, 13 प्रकार की अग्नि होती है। एक जाठर अग्नि होती है, 5 भूत अग्नि जो कि पंच महाभूत से बनी हुई होती है, 7 धातु अग्नि जो कि किससे बनी होती है, धातुओं से बनी हुई होती है, ठीक। चलिए उसके बाद त्रिसूत्र। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र ये थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी लेकर आया हूँ। आप इसका श्लोक देख सकते हैं, हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वस्थ स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वत पुण्यम बुबुदे या यम पितामह। तो ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसका श्लोक और स्थायी चीजें डिटेल में लेकर आया हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद में किसी किसे कहा गया है, हेतु लिंग और औसत को क्या कहा गया है, त्रिसूत्र कहा गया है। और देखो पहले क्या होता था कि आयुर्वेद के इतने ज्यादा सिद्धांत नहीं थे पहले, मतलब आयुर्वेद के तीन ही मेन प्रिंसिपल थे, कौन कौन से, यही कौन सा, हेतु लिंग और औसत, यही क्या थे, तीन मेन प्रिंसिपल थे। और इसे हम क्या बोल देते हैं, त्रिसूत्र बोल देते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्वस्थ और रोगग्रस्त लोगों के लिए यह सर्वोत्तम मार्ग है। और यह त्रिसूत्र ब्रह्मा द्वारा स्मरण किया गया शाश्वत और शुभ ज्ञान है। और ये जो त्रिसूत्र है ये किसके द्वारा स्मरण किया गया था, ब्रह्मा के द्वारा स्मरण किया गया था। अब देखो क्या होता है, क्या होता है एमसीक्यू में, एक एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि त्रिसूत्र क्या होता है, त्रिसूत्र क्या होता है। तो आप समझ जाना त्रिसूत्र क्या हो जाएगा, इसमें हेतु आ जाएगा, इसमें लिंग आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, औषद आ जाएगा, ठीक है। हेतु लिंग और औषद, मतलब पहले क्या होता था आयुर्वेद के इतने ज्यादा सिद्धांत नहीं थे तो यही तीन मेन प्रिंसिपल थे आयुर्वेद के, कौन कौन से, लिंग, हेतु और औषद, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिसूत्र बोलते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेतु सूत्र का मतलब क्या होता है, कॉजेटिव फैक्टर्स। कॉजेटिव फैक्टर मतलब रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है, ये किसके अंदर आता है, हेतु सूत्र के अंदर आता है। तो हम देख सकते हैं हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। तो हेतु सूत्र में स्वास्थ्य के कारणों एवं रोग के कारणों का समावेश होता है। इस सिद्धांत के तहत रोगों के सभी कारणों को शामिल किया गया है। तो हेतु सूत्र का मतलब यहाँ पर इस सिद्धांत में ये बतलाया गया है कि रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, कैसे रोग उत्पन्न होते हैं, किस कारण रोग उत्पन्न होते हैं, है ना। और स्वास्थ्य के कारण के बारे में भी यहाँ पर बतलाया गया है। तो मतलब हेतु, हेतु का मतलब ही होता है क्या, हेतु का मतलब ही होता है कारण। और ये एक तरह का कैसा फैक्टर होता है, पॉजिटिव फैक्टर होता है। यहाँ पर आप इस सिद्धांत से ये पता लगा सकते हैं कि रोग के उत्पत्ति का कारण क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर लिंग सूत्र बतलाया गया है। लिंग सूत्र का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। देखो वहां पर क्या बताया, हेतु सूत्र में रोग का कारण के बारे में बताया, लिंग सूत्र में क्या बताया है, इसके फीचर के बारे में बताया कि जो भी आपको रोग हुए हैं तो उसके लक्षण क्या है, है ना। तो लक्षण के बारे में किस सिद्धांत में बताया गया है, लिंग सूत्र में बताया गया है। तो लिंग का अर्थ क्या होता है, विशेषता अथवा हम बोल सकते हैं लक्षण। लक्षण का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स। तो उस रोग के क्या सिम्टम्स है, उस रोग के जो भी आपको रोग हुआ है उसके क्या सिम्टम्स है, तो वो किस सिद्धांत में बताया गया है, लिंग सूत्र में बताया गया है, है ना। तो लिंग सूत्र जो होता है स्वास्थ्य और रोग के लक्षणों तथा चिन्हों के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, रोग के लक्षणों के बारे में या रोग के सिम्टम्स के बारे में यहाँ पर विस्तृत में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर औसत सूत्र, तो आपको जो भी क्या हुई है, रोग हुए तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है, तो वो किसमें बताया गया है, औसत सूत्र में बताया गया है। तो ये जो त्रिसूत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिसूत्र क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, हेतु लिंग और औसत, ये तीनों क्या होते हैं, त्रिसूत्र होते हैं। हेतु में क्या होता है, रोगों के कारण के बारे में बताया गया है। लिंग सूत्र में क्या बताया गया है, इसके फीचर के बारे में बताया गया है, मतलब उस रोग के लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। और लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है औसत सूत्र, तो औसत सूत्र में क्या बताया गया है, औसत सूत्र में ये बताया गया है कि अगर आपको कोई रोग हुआ है तो उसकी मेडिसिन क्या है, ठीक। तो यह औषधि या पथ्य है ना। इस औसत सूत्र में किसी विशेष रोग की स्थिति में अनुशंसित भोजन के साथ दवाएं शामिल है ना। और आयुर्वेद यह बोलता है, आयुर्वेद यह बोलता है कि सबसे सर्वोच्च औषधि जो होती है वो क्या होती है, आपका आहार विहार होता है। अगर आप अच्छा आहार विहार लेते हैं तो आप कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी प्रकार कोई रोग नहीं होगा। तो इस तरह से 8 सिद्धांत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मैंने आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है जो कि मेन सिद्धांत है उसका यहाँ पर वर्णन कर दिया एकदम शॉर्ट में।
ताकि यहाँ पर मैंने से आपको कंटेंट दिया है ना, अगर डिटेल में आपको कहाँ पर मैं समझाऊंगा, जब इनके अलग अलग क्या आएंगे टॉपिक आएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे डिटेल में इन चीजों का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे बेस्ट कंटेंट का क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके, है ना। अपने दोस्तों को भी बताया कीजिए, कई लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, अगर उनको अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो बतलाते ही नहीं है, है ना, तो ऐसा मत कीजिए, है ना। देखो आप अगर बतलाओगे तो मैं क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ साथ भी क्या करूंगा, ग्रो करूंगा। आप तो ग्रो करोगे ही, मैं आपको दूंगा कंटेंट तो आप ग्रो करोगे, साथ में मैं भी ग्रो करूंगा, और मैं ग्रो करूंगा तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें मैं लाते रहूंगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।